गुड मॉर्निंग एवरी वन होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लास्ट राउंड फॉर द चैप्टर सैलरी बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के साथ और मैं चाहूंगा कि इसमें मैक्सिमम कंसेप्ट हमारे सैलरी के डिस्कस हो जाएं क्वेश्चन नंबर वन रहेगा गिफ्ट्स के बारे में प्लस इंश्योरेंस प्रीमियम डिस्कस करेंगे मोटर कार की वैल्यूएशन कैसे करते हैं और सेक्शन सिक्सटीन की डिडक्शन क्वेश्चन नंबर टू में रिटायरमेंट बेनिफिट्स डिस्कस होंगे लाइक like ग्रेचुटी पेंशन कम्यूटेड अनकम्यूटेड दोनों प्रोविडेंट फंड और लीव इनकैशमेंट के बारे में भी क्वेश्चन नंबर थ्री आई टॉक अबाउट एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ग्रेड पे काफी स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं ठीक है बट समझ में नहीं आता या तो किसी को या किसी और रीजन से बट ये बहुत इजी है कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है तो ग्रेड पे के बारे में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री में इंपॉर्टेंट परक्यूज है रेंट फ्री अकोमोडेशन मोटर कार फैसिलिटी जो हम इसी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे प्लस मील्स डोमेस्टिक सर्वेंट्स एटसेट्रा क्वेश्चन नंबर रहेगा अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीव ट्रैवल कंसेशन मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया कैसे टेक्सीबिलिटी करते हैं like है? और इंपॉर्टेंट एक और इक्विटी शेयर का ठीक है तो इसकी मैं आपको टाइम स्टैंप भी कोशिश करूंगा कि मैं दे दूं जिससे कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी कंसेप्ट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन पर भी जंप कर सकते हैं ठीक है और बाकी अगर इफ टाइम परमिट ऑल्सो डिस्कस लिटल चार्ट अबाउटन ऑफ सैलरी ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं अपना लास्ट राउंड फॉर द चैप्टर सैलरी आपको यह फाइल आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी यू कैन गो एंड ईजिली डाउनलोड दिस फाइल ठीक है विद सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर वन इट सेज मिस्टर अनमोल एज 45 फाइव ईयर वर्किंग इन अजंता प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स परटेनिंग टू देंशियल ईयर 2021. क्या क्या चीजें दी गई हैं सैलरी में बेसिक सैलरी इनको मिलती है 7.2 पॉइंट टू लाख डी एन एस अलाउंस मिला जो कि फोर्टी परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी ठीक है फिफ्टी परसेंट ऑफ द डी ए फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट यू अंडरस्टैंड इज दिस ठीक है कमीशन अच्छा बेसिक सैलरी फुली फुल करते हैं डी ए फुली टेक्सीबल करते हैं कमीशन फुली डेक्सीबल करते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है दिस इज ऑल्सो फुली टैक्सेबल आई बिलीव ये बात याद है आपको ठीक है अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लॉय होते हैं तो फिर बाद में इनको डिडक्शंस भी मिलेगी बट क्योंकि ही इज नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो एंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल सभी के लिए प्लीज़ याद रखिएगा अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी होते तो पहले हम इसको टैक्सेबल करते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस को बाद में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन मिल जाती है सेक्शन सिक्सटीन में बट इनको डिडक्शन नहीं मिलने वाली ही इज़ नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेडिकल एक्सपेंसिस री बाय द इम्प्लॉयर टेन थाउजेंड नाउ यू अंडरस्टैंड इट इज टेक्सेबल ठीक है अगर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराता या फिर इंप्लॉयर के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराता या प्रिस्क्राइब डिजीज के लिए स्पेसिफाइड हॉस्पिटल तो बात अलग होती अगर सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेज रिम्बर्स किए जा रहे हैं दिस इज अ फुली टेक्सेबल पर पहले कभी अगर किसी स्टूडेंट ने कोई पुरानी आ, कभी क्लास की होगी दो तीन साल पहले तो पंद्रह हजार वाली बातें उनको ध्यान होगी बट नाउ नाउर इज नो सच कंसेप्ट प्लीज इसको पूरा टेक्सेबल खींचेगा प्रोफेशनल टैक्स थ्री थाउजेंड रुपीज का प्रोफेशनल टैक्स की आपको पता है डिडक्शन मिलते हैं जितना भी हम एक्चुअली पे करते हैं ड्यूरिंग द ईयर ठीक है सेक्शन सिक्सटीन में डिडक्शन मिलती है इसमें स्पेसिफिकली बातें करें तो सेक्शन सिक्सटीन थ्री में डिडक्शन है थ्री थाउजेंड रुपीज का जितना भी पे हुआ डिडक्शन मिल जाएगी अगर ये हमारा इंप्लॉयर पे करता है डिडक्शन तब तभी भी मिलती है इनकेस माय एम्प्लॉयर हैज पेड दिस अमाउंट डिडक्शन आपको तभी भी मिलेगी बट जितना इम्प्लॉयर ने पे किया वो पहले इनकम का पार्ट बनाइएगा वो पहले ग्रॉस सैलरी का पार्ट बनाइएगा बाद में डिडक्शन दीजिएगा हेल्थ इश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द इम्प्लॉयर यू अंडरस्टैंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ठीक है फॉर द एम्प्लॉय और इज फैमिली मेंबर्स एक्जेम्टक्यूज होता है ठीक है दिस इज एक्जेम्ड बट हाँ अगर ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होती देन इट इज फुली टेक्सेबल आगे लिखा हुआ है गिफ्ट वाउचर गिवन बाय द इंप्लॉयर ऑन हिज बर्थडे फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का तो अगर हमें इंप्लॉयर की तरफ से गिफ्ट्स मिलते हैं वो भी सैलरी में ही जाता है अगर ये कैश गिफ्ट होते हैं तो फुल टैक्सेबल होता है कैश गिफ्ट इज सिमिलर लाइक बोनस बट अगर ये गिफ्ट इन काइंड है तो भी ये टैक्सेबल हो जाते हैं अगर इनकी वैल्यू टोटल एग्रीगेट एग्रीगेट फाइव थाउजेंड रुपीज से ज्यादा हो तो यहां पर गिफ्ट वाउचर मिले हैं फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज के इट वुड बी फुली टैक्सेबल ठीक है एक और पॉइंट ऑफ व्यू है आ, अगर आपने ऐसा किया हुआ है कि सर इसमें से 5000 माइनस करने के बाद सिर्फ 10000 टैक्सेबल होगा वो भी पॉइंट ऑफ व्यू सही है और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम इसको अगर 5000 से ज्यादा है फिर फुली टैक्सेबल कर देते हैं दिस इज आल्सो करेक्ट इसको मैं फुली टैक्सेबल करने वाला हूँ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में मैंने बातें की लाइफ इंश्योरेंस टेक्सीबल हो जाएगा अगर इंप्लॉयर ने प्रीमियम पे की है लैपटॉप प्रोवाइडेड फॉर यूज एट होम एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लैपटॉप इज इतना चिल्ड्रन ऑफ द एस आर आल्सो यूजिंग द लैपटॉप एट होम अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ यूज़ करने के लिए वो दे रहा है दैट इज़ अ एग्जेम्ट दैट इज एग्जैम टैक्स फ्री पर क्योसेट उसको हम टैक्स नहीं लगाते जनरली लैपटॉप या कंप्यूटर इसलिए दिए जाते हैं कि आप घर पर आप ऑफिस का भी काम कर पाएंगे इसलिए हम आपको लैपटॉप uh, या कंप्यूटर फैसिलिटी देते हैं अच्छा घर पर अगर उस पर पिक, uh, बच्चे पिक्चर देख रहे हैं या फिर गेम्स खेल रहे हैं तो इट्स ओके ठीक है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि सर बच्चे इसको पर्सनल यूज़ भी कर रहे हैं इट्स ओके प्लीज इसको टैक्स फ्री बनाइएगा एग्जेप करिएगा इम्प्लॉयर कंपनी मोटर कार मोटर कार है ओन्ड बाय द कंपनी इंप्लॉयर कंपनी अब मोटर कार के बर्क्यूज के बारे में भी हम देख लेंगे ठीक है अगर कार इम्प्लॉयर की है तो किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं पर्सनल यूज होता है तो क्या होता है ऑफिशियल यूज होता है तो आपको 100 परसेंट ऑफिशियल यूज हो रहा है तो हम उसको पर्क्यूज नहीं बनाते उसकी वैल्यू ले, ले लेते हैं अगर वो दोनों पर्पस के लिए यूज होता है तो फिर हम देखते हैं कि एक्सपेंसेस कौन मीट आउट कर रहा है बड़ी कार है या छोटी कार है ठीक है आई बिलीव आपको ये बातें याद आ रही होंगी तो यहां पर लिखा हुआ है एम्प्लॉयर कंपनी मोटर कार प्रोवाइडेड टू द बोथ फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज ऑल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसिस मतलब सारा का सारा एक्सपेंसिस एम्प्लॉयर कर रहा है नो ड्राइवर वॉज प्रोवाइडेड तो ड्राइवर के लिए हमें बताया नाइन हंड्रेड एक्स्ट्रा एड करते हैं तो यहां पर ऐसा नहीं करेंगे इंजन क्यूबिक कैपेसिटी इज लेस देन 1.6 लीटर ठीक है तो हमें पता है कि इट्स अ स्मॉल कार तो इस केस के लिए क्योंकि इंप्लॉयर की गाड़ी है बोथ परपज के लिए प्रोवाइड की गई है इंप्लॉयर एक्सपेंसिस कर रहा है तो वी टेक 1800 पर मंथ फिक्स्ड अमाउंट है 1800 पर मंथ ठीक है अगर पूरे साल के लिए किया तो इन ट्वेल्व कर देंगे इफ इट वुड है बिग कार वन लीटर सी इंजन से ज़्यादा होता तो फिर हम पर मंथ लेते हैं एनुअल क्रेडिट कार्ड फीस पेड बाय द इम्प्लॉयर हमें क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड किया गया है अगर ये ऑफिशियल पर्पज के लिए किया गया होगा तो इट इज टैक्स फ्री उसको एग्जेंट कर देते हैं बट अगर ये पर्सनल पर्पज के लिए है देन इट इज टेक्सेबल तो एनुअल क्रेडिट कार्ड फीस इंप्लॉयर ने पे की है और क्रेडिट कार्ड ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज नहीं होता लिखा हुआ है तो अगेन इट वुड भी टेक्सेबल ये टेक्सेबल हो जाएगा यू आर रिक्वायर्ड टू कम्प्यूट द इनकम चार्जेबल एंड द हेड सैलरी इन देंड्स ऑफ अन फॉर देंट ये ट्वेंटी टू तो एक टिपिकल क्वेश्चन है सैलरी का यहाँ पर हमें ये चीजें दी होती हैं और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कभी भी आपको सैलरी के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो फर्स्ट यू शुड मेक अ लिस्ट सबसे पहले लिस्ट बना लीजिए क्योंकि इतनी सारी चीजें होती हैं हो सकता है कि कुछ ना कुछ चीजें छूट जाए स्किप हो जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक अ लिस्ट आउट ऑफ इट जब भी आप क्वेश्चन करें जैसे कि अगर मैं यहां पर क्वेश्चन करना शुरू करता हूं कंप्यूटेशन ऑफ सबसे पहले तो लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम ऑफ द अस एस अपने असेसमेंट ईयर के लिए और सबसे पहले लिस्ट बना लीजिए यह मत लिखिए कि, कि कितना टेक्सीबल है कितना एग्जाम फर्स्ट यू शुड मेक द लिस्ट ठीक है list, अपने क्वेश्चन को देख देख कर कि सबसे पहले बेसिक सैलरी की बात हुई फिर डी की बात हुई वेदर इट इज टेक्सीबल वेदर इट इज नॉट टेक्सीबल वेदर इट इज पार्शली टेक्सीबल यू शुड मेक अ लिस्ट ठीक है सैलरी के क्वेश्चन में मिशन लिस्ट बनाइए तो सबसे पहले एक लिस्ट हमें बना लेनी चाहिए कि हमें क्या-क्या मिल रहा है ठीक है अब मैं इसके बारे में जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ बेसिक सैलरी अंडरस्टैंड इज फुली टैक्सेबल डीए फुली टैक्सेबल कमीशन ठीक है कमीशन इज आल्सो फुली टैक्सेबल कमीशन कैसा भी हो कमीशन या बोनस ये सब फुली टैक्सेबल होते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल मेडिकल एक्सपेंसेस रिइम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर ठीक है अब नाउ वी अंडरस्टैंड इट इज फुली टैक्सेबल जितना भी अमाउंट हो मेडिकल एक्सपेंसेस री किए गए हैं इट इज़ फुली टैक्सेबल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट होता या फिर एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता फिर हम एग्जेप्ट कर देते या फिर अगर स्पेसिफाइड डिजीज के लिए किसी प्रिस्क्राइब्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता तो भी एग्जेम्ट कर देते बट नाउ इट इज जस्ट अ मेडिकल फैसिलिटी विच हैज़ बीन रीम्बर्स्ड बस्ड एम्प्लॉई का कोई एम्प्लॉ खुद या उसका फैमिली मेम्बर कोई बीमार हुआ होगा डॉक्टर के पास गए होंगे मेडिकल एक्सपेंसेज दवाई वगैरह के खर्चे किए गए होंगे फुली टैक्सेबल खींचेगा

फाइव थाउज माइनस करने के बाद टेन थाउजेंड भी करना चाहेंगे सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑल्सो करेक्ट एल आई सी प्रीमियम अगर एल आई सी की प्रीमियम पे करी है तो देन इट इज फुली टेक्सेबल टेक्सेबल कर देंगे लैपटॉप कंप्यूटर्स वगैरह प्रोवाइड किया जाए वेट इज इट वेल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था मोटर कार की फैसिलिटी है यहाँ पर छोटी कार है एम्प्लॉयर की गाड़ी थी ठीक है बहुत ऑफिशियल और पर्सनल पर्पज के लिए यूज हो रही थी एटीन हंड्रेड प्लीज याद रखिएगा एटीन हंड्रेड पर मंथ ठीक है 1800 12 हो जाएगा एनुअल क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी जो कि ऑफिशियल नहीं थी पर्सनल थी 5000 अगेन टैक्सेबल सो दिस वुड बी आर ग्रॉस सैलरी सबसे पहले ग्रॉस सैलरी निकालिए फिर डिडक्शंस दीजिए फिर हमेशा आप डिडक्शंस देंगे सेक्शन 16 की तो डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन तो हमेशा आएगी ही आएगी तो स्टैंडर्ड डिडक्शन दीजिए पहले तो स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद फिफ्टी थाउजेंड लेस करेंगे एंटरटेनमेंट अलाउंस यहाँ पर टैक्सेबल हुआ था पूरा का पूरा ऊपर बट उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी बाद में बिकॉज ही इज़ नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट याद है आपको वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं तो इस केस में इनको एंटरटेनमेंट अलाउंस की कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी और फिर प्रोफेशनल टैक्स जितना भी पे हुआ वेदर पेड बाय द इम्प्लॉय हिमसेल्फ ध्यान रखिएगा बस ये पे हुआ हो ड्यूरिंग द ईयर पे हुआ हो अगर ये ड्यूरिंग द ईयर पे नहीं हुआ प्रोफेशनल टैक्स पे नहीं होता तो डिडक्शन नहीं मिलती है बट अगर ये पे हो जाता है तो डिडक्शन मिल जाती है चाहे वो इम्प्लॉयी ने खुद ने पे किया हो वेदर इट हैज बीन पेड बाय द इम्प्लॉयर सो इट इज़ रिलेवेंट पे होना चाहिए डिडक्शन आपको पूरा थ्री थाउजेंड की मिल जाएगी हाँ जितना इम्प्लॉयर ने पे किया था वो सबसे पहले इनकम तो बनेगी ऊपर ग्रॉस सैलरी का पार्ट तो बनेगा बट जितना भी पे हुआ है वेदर बाय एम्प्लॉयर और बाय एम्प्लॉय पूरी डिडक्शन दे दीजिएगा और इनकम चार्जेबल एंड द हेड सैलरी इज दिस अमाउंट क्लियर है क्वेश्चन नंबर टू पर आते हैं जहां पर हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बातें करेंगे an मुंबई में काम करते हैं ये एंड कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेटी एक्ट पेमेंट ऑफ ग्रेटी एक्ट में कवर्ड है रिटायर्स एट द एज ऑफ सिक्स ऑन थर्टी ट्वेंटी ट्वेंटी ड्यूरिंग रिटायर हुए हैं तो प्लीज़ याद रखिएगा हमेशा ध्यान रखिए अगर ड्यूरिंग द ईयर इम्प्लॉय रिटायर हुआ है तो जब तक रिटायरमेंट से पहले पहले तक तो उसको नॉर्मल अपनी सैलरी वगैरह मिल रही होगी ना बेसिक सैलरी डी ए बाकी के परक्यूजेट तो उसको उतने पीरियड का वैसे टैक्सीबल कीजिएगा जब तक उसको नॉर्मल एक्टिव जॉब में पैसे मिलते हैं और उसके बाद में जो उसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं पेंशन वगैरह उसके बाद वो सब टैक्सीबल करते हैं हम लोग तो यहाँ पर दिसंबर 2020 के एंड में ये लोग ये रिटायर हुए हैं तो इससे पहले के यानी कि अप्रैल ट्वेंटी से लेकर दिसंबर ट्वेंटी तक आई बिलीव इट इज नाइन मंथ्स तो नाइन मंथ्स के तो जो भी बेसिक सैलरी डी ए अलाउंसेस वगैरह होगा उसको तो हम टैक्सेबल करने वाले हैं ठीक है हाँ वो डिपेंड करता है कि वो टैक्सेबल था या एग्जाम था वो अलग बात है बट येस दिसंबर तक की चीजें तो आप अपनी एक्टिव वाली सैलरी में लेंगे उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स आ जाएंगे ठीक है लाइक पेंशन एंड ऑल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज एम्प्लॉयर हैज पेड ट्वेंटी लाख फिफ्टी वन थाउजेंड सिक्स फोर्टी एज ग्री देखो ग्रेटुटी पेमेंट ऑफ ग्रैटुटी एक्ट में कवर्ड है हम लोग जानते हैं कि ग्रेचुटी का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं तो जितनी भी ग्रेटुटी मिलती है अगर ये गवर्मेंट इंप्लाय होते ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्मेंट यस लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉय होते तो उस केस में तो ग्रेटुटी एग्जेम्ट हो जाती है बट नाउ ही इज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय

फिर बाद में इनको सिक्स लाख रुपीज मिले हैं एस एक्यूमिलेटेड बैलेंस ऑफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अब आरपीएफ का पैसा मिला है ठीक है आरपीएफ का पैसा मिला है मेचोरिटी पर हम लोग जानते हैं कि अगर आरपीएफ का पैसा मिलता है तो ये एग्जेम्ट होता है जनरली और अगर कंडीशन क्या है अगर ये पांच साल से पहले ही ठीक है अगर इंप्लॉई ने सिर्फ पांच साल से भी कम काम किया और फिर वो ग्रेटी उसको आ, पी का पैसा विद्रॉ हो रहा है उस केस में वो टेक्सीबल हो जाता है बट क्योंकि यहां पर ऑलरेडी ही हैज़ मंथ्स उसके बाद तो अगर ये पैसा मिल रहा है तो दिस इज एन एग्जाम दिस वुड बी एग्जाम तो सिक्स लाख प्लीज टेक्सीबल मत कीजिएगा ठीक है मेचोरिटी पर पैसा मिल रहा है आरपीएफ का आरपीएफ का पैसा मिले या एस का पैसा स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड मिलता है तो भी हम एग्जाम करते हैं हाँ अगर यू आर पी का पैसा होता याद कर लीजिएगा यू आर पी ठीक अगर ये अनिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड का पैसा होता तो अब हम इसको टैक्सेबल करते फिर हम इसमें से देखते हैं कि का और उसके जो इंटरेस्ट होता है, का और उसके होता है, वो में जाता है। जो इंप्लॉय का है, वो taxable नहीं करते बट उसका जो इंटरेस्ट है तो वो भी गया होगा आपको आगे देखिएगा तो यहां पर दो चीज़ें की बातें हुई हैं ग्रेटिटी की और बैलेंस ऑफ आरपीएफ नेक्स्ट बातें हो रही है

फॉर रुपीज़ फोर पॉइंट फाइव लाख ऑन फर्स्ट फरवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन यानी कि इनको जनवरी में पेंशन मिलना शुरू हुआ एट थाउजेंड रुपीज पेंशन मिली जनवरी में पर मंथ बट इन्होंने फेबररी में फर्स्ट फरवरी को ही बोल दिया कि नहीं अब मैं अपनी पेंशन को कम्यूट करा रहा हूं और इन्होंने अपनी सेवेंटी फाइव परसेंट पेंशन कम्यूट करा ली जिसके चलते उनको फोर पॉइंट फाइव लाख रुपीज़ मिले हैं प्लीज बताइए ये जो अनकम्यूटेड अभी मैं अनकम्यूटेड के बारे में बातें करूंगा ठीक है अनकम्यूटेड पेंशन मिल रही है क्या फेबररी में भी वो एट थाउजेंड ही मिलेगी द आंसर इज नो सर अब एट थाउजेंड नहीं मिलेगी बिकॉज ही हैज कम्यूटेड ऑफ पेंशन तो अब सिर्फ ट्वेंटी फाइव परसेंट ही इनको अनकम्यूटेड रेगुलर पेंशन मिलती रहेगी यानी कि फेब्ररी के मंथ में इनको मिलेगी टू थाउजेंड रुपीज पर मंथ और मार्च में भी इनको मिलने वाली है टू थाउजेंड रुपीज ठीक है हमें मार्च तक लेना है मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी ईयर तो जब आप अनकम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल खींचेगा तो फॉर जनवरी इट इज एट थाउजेंड बट फॉर फेबर एंड मार्च इट इज टू थाउजेंड इच ठीक है दूसरी बात जब इनको कम्यूटेड पेंशन मिलती है जो हमें लमसम पेंशन मिल जाती है क्या लमसम पेंशन एक्जेम्ट होती है हाँ अगर ये गवर्नमेंट इंप्लॉय होते तो उनके लिए एक्जेम्ट होती है बट ही इज नॉट अ गवर्नमेंट इंप्लॉय सिंस ही इज नॉट अ गवर्नमेंट ही इज वर्किंग विद एक्सप्रेसिट कंपनी लिमिटेड तो इस केस में हम टेक्सेबल कर देते हैं क्वेश्चन आता है क्या ये 4.5 लाख जो कम्यूटेड पेंशन है क्या वो पूरी की पूरी टैक्सेबल होती है ठीक है, उसमें से हम कुछ एक्ज करते हैं ठीक है एग्जेम करते थे करता है क्या, को भी मिली है. अगर ग्रेटिटी तो नहीं मिली है तो वन पॉइंट टू लेते हैं बट क्योंकि यहां पर इस क्वेश्चन में ही इज ऑल्सो अ ग्रेटुटी तो इसलिए हम वन थर्ड लेने वाले वन थर्ड ऑफ वॉट वन थर्ड ऑफ फोर पॉइंट फाइव लाख नहीं वन थर्ड ऑफ जितना पेंशन मिला जितना मिलना चाहिए था इनफैक्ट तो हम इसको कैसे करते हैं फोर पॉइंट फाइव लाइक सेवेंटी फाइव परसेंट के बराबर है तो हंड्रेड परसेंट के बराबर कितना होता उसका वन थर्ड तो हम वन थर्ड हमेशा करते हैं जितना हमें कम्यूटेड पेंशन अगर पूरी की, पूरी की पूरी कम्यूट हो जाती तो जितना मिलता उसका वन थर्ड आई बिलीव ये बात भी आपको याद आ गई होगी ठीक है तो सिंपल अभी एग्जाम ओरिएंटेड चलते हैं तो सिंपल करेंगे वन पॉइंट थ्री इंटू फोर पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन तो इससे परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन जैसी आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाता है कि पूरी पेंशन अगर हंड्रेड परसेंट पेंशन कम्यूट होती तो वो कितना मिलता ठीक है उसका वन थर्ड लेते बट अगर इनको ग्रेटिटी नहीं मिलती तो इसका वन पॉइंट टू लेते आई बिलीव ये भी याद आ गया होगा

द कंपनी प्रोवाइड्स सेम फोर्टी डेज लीव्स एवरी ईयर यहाँ पर हमें एक बात याद आ जाती है अगर कंपनी हमें प्रोवाइड करती है थर्टी डेज़ की लीव या उससे कम तब तो कोई टेंशन नहीं होती बट अगर वो थर्टी डेज से ज़्यादा की लीव्स अगर वो हमें ग्रांट करती है तब हम जब अपना लीव से क्रेडिट निकालते हैं जब अपनी कैलकुलेशन करते हैं तो हम मैक्मम कंसिडर करते हैं सिर्फ थर्टी डेज़ तो यहाँ पर हम सिर्फ मैक्सिमम थर्टी डेज ही कंसिडर करेंगे ठीक है आउट ऑफ विच ही यूज़ टू अवेल ट्वेंटी फाइव डेज़ लीवस इन ईच ईयर तो जब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे फोटी डेज़ की छुट्टियां मिलती थी सर ट्वेंटी फाइव डेज़ की अवेल कर लेता था तो फिफ्टीन डेज़ की छुट्टियां एवरी ईयर बची नहीं ऐसे नहीं करेंगे हम कैसे करेंगे मैक्सिमम अगर ये जितना हमें ग्रांट की जाती है लीव्स अगर वो थर्टी से कम है या थर्टी या थर्टी से कम है फिर तो कोई टेंशन नहीं है फिर तो हम वही अमाउंट ले लेते हैं वही वैल्यू ले लेते हैं बट 30 से ज्यादा है तो हम लीव्स लीव 30 लेते के हम अपनी करते हैं और याद होगा अगर आपको हम लीव इन कैशमेंट में सिर्फ कम्प्लीटेडलींप्लीटेडर्टी थ्री लेंगे राउंड ऑफ नहीं करेंगे वहां पर डिटरमाइन सैलरी चार्जेबल टू टेक्स फॉर मिस्टर आनंद फॉर दिस द हेल्प ऑफ दमेशन कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे दी गई है क्वेश्चन ने क्या दिया है काफी अच्छा क्वेश्चन है ये बेसिक सैलरी 80000 पर मंथ है अब प्लीज बताइए 80000 12 करेंगे क्या कुछ स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं 12 कर देते हैं अरे नहीं यही बात मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि बिकॉज़ ही इज गेटिंग रिटायर्ड फ्रॉम 31 दिसंबर ऑनवर्ड्स यानी कि इनको दिसंबर तक की बेसिक सैलरी की ले की यानी कि 80000 9 मंथ्स की ये बोनस मिला नहीं है, है, तो पूरा month, कितने month का मिलेगा का. के बाद, नहीं मिलता है क्या ये फुली टेक्सेबल होता है इसमें से एक्सम होता है स्पेसिफिकली जब हम रेंट पे कर रहे हो तो रेंट पेड बाय दस एस भी दिया गया है टेन थाउजेंड पर मंथ है तो टेन थाउजेंड पर मंथ रेंट पेड भी है तो हम एचआरए की कैलकुलेशन भी करना है इस क्वेश्चन में सीख लेंगे इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्सेंड तो इंप्लॉयर भी था और यह पी एफ क्या मिला बट ये वन लाख टेन थाउजेंड रुपीज है जो इस साल कॉन्ट्रीब्यूट इनके एम्प्लॉयर ने किया होगा और हम लोग जानते हैं कि इसमें से हम मैक्सिमम जितना कॉन्ट्रीब्यूट आरपीएफ में होता है उसमें से ट्वेल्व परसेंट 12% परसेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी तक तो एक्जेंट होता है बट उससे ज्यादा अगर कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है उससे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट अगर हो रहा है तो उस केस में हम उसको टैक्सेबल कर देते हैं और आई बिलीव आपको सेवन लाख वाला भी प्रोविजन याद आ गया होगा ठीक है प्रोविश प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय मिस्टर आनंद टू थाउजेंड रुपीज़ यहाँ पर टू थाउजेंड रुपीज़ की डिडक्शन भी मिलेगी सेक्शन सिक्सटीन में ठीक है प्रोफेशनल टैक्स पे किया है क्या ये हमारी इनकम भी बनेगी नहीं यहाँ पर इंप्लॉयर की तरफ से हमें कुछ नहीं मिल रहा है सिर्फ इम्प्लॉय ही पे कर रहा है तो यहाँ पर सिर्फ डिडक्शन दीजिएगा टू थाउजेंड रुपीज़ की ओके okay. तो so, सबसे पहले जब जैसे ही हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे तो सबसे पहले यू शुड मेक द लिस्ट कि हमें क्या क्या मिल रहा है इंप्लॉयर की तरफ से तो हमें इंप्लॉयर की तरफ से मिल रहा है बेसिक सैलरी बोनस एच भी मिल रहा है इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर पी एफ भी मिल रहा है, तो है, तो है और क्या मिल रहा है ठीक है, 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 commuted, है। तो इन सबकी लिस्ट बना लेनी चाहिए फिर आपको आगे कंप्यन शुरू करनी चाहिए कि हम इसको टेक्सेबल करें या ना करें तो यू शुड मेक द लिस्ट जैसे बेसिक सैलरी बोनस एच आर ए और बाकी सब चीज़ों की एक बार लिस्ट हम बना लेते हैं अगर किसी में ज़्यादा कैलकुलेशन है तो आप उसका वर्किंग नोट शो कर दे कर सकते हैं किसी में बहुत कम कैलकुलेशन आपको लगता है कि एक या दो लाइन में ही कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी तो कोशिश करिए कि आप उसका वर्किंग नोट ना बनाएं उसको वहाँ पर ही सॉल्व कर दीजिए क्योंकि आप जितने वर्किंग नोट बनाते हैं थोड़ा सा टाइम उसमें एक्स्ट्रा लग जाता है मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वर्किंग नोट नहीं बनाने वर्किंग नोट बनाने होते हैं ठीक है वर्किंग नोट बनाने होते हैं बट आप अगर आपको लगे कि सिर्फ एक लाइन से काम चल जाएगा मुझे वर्किंग नोट में भी जाकर लाइन लिखने वाले हैं तो अच्छा रहेगा कि आप वो लाइन वहीं पर लिख दें क्वेश्चन में हाँ, अगर वर्किंग नोट बनने वाला है दो तीन चार पांच देस का ठीक है तो अच्छा रहेगा कि हमेशा वर्किंग नोट बनाएं आप ओके सो बेसिक सैलरी वी अंडरस्टैंड इज फुली टेक्सेबल बट सिर्फ नाइन मंथ्स की लीजिएगा बोनस फुली टेक्सेबल थर्टी सिक्स थाउजेंड पर मंथ नहीं था एक्जेक्ट थर्ट सिक्स थाउजेंड रेंट अलाउंस को हम वर्किंग नोट वन में बनाएंगे तो हाउस रेंट अलाउंस को हम अलग से कैलकुलेशन करेंगे तो ये वन लाख सेवेंटीन थाउज कैसे आया होगा वर्किंग नोट वन से हमें मिला होगा अब जल्दी से एच के बारे में रिवाइज कर लेते हैं एच जितना भी मिला फिफ्टीन थाउजेंड पर मंथ यानी फिफ्टीन थाउजेंड इंटू नाइन वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड हो जाता है इतना मिला इसमें से हम एग्जाम करते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग तो यहाँ पर आप वर्किंग नोट अगर वन आप देखेंगे तो हमें एक्चुअल एच आर रिसीव हुआ वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड फॉर नाइन मंथ्स ठीक है इसमें से आप एक्जेंट करिएगा वन टू थ्री तीनों में से जो भी लीस्ट होता है फर्स्ट होता है एक्चुअल एच आर सेकेंड होता है रेंट पेड माइनस टेन परसेंट ऑफ सैलरी और थर्ड होता है फोर्टी परसेंट ऑफ सैलरी या फिफ्टी परसेंट ऑफ सैलरी फिफ्टी परसेंट अगर हमने रेंट पे किया दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई में तो फिफ्टी परसेंट लेते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मुंबई का रेफरेंस आया था तो मुंबई में ही इन्होंने रेंट पे किया होगा फिफ्टी तो परसेंट हम लोग लेंगे उस केस में 40 नहीं लेंगे ठीक है और सैलरी फॉर दिस पर्प एच आर क्या लेते हैं आरबीएस रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी क्या क्या चीजें आती है रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी में बेसिक सैलरी डीए फॉर्मिंग पार्ट परसेंटेज परसेंटेज कमीशन कमीशन ऑन पे डी ए गिवन नहीं है डी है और वो पूरा का पूरा फॉर्मिंग पार्ट भी है यानी कि हम यहां पर रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी में लेने वाले हैं हमारे लिए बनेगा बेसिक सैलरी प्लस डीए ठीक है फॉर्मिंग पार्ट ही है पूरा का पूरा पूरा था क्या एक मिनट चेक कर लेता हूँ सॉरी सॉरी तो डी नहीं था अच्छा मुझे वो लास्ट क्वेश्चन का याद आ रहा है शायद ठीक है यहाँ तो डी ही नहीं था इनफैक्ट फैक्ट यहाँ तो सिर्फ बेसिक सैलरी ही थी एक्चुअल एच आर ए तो एच आर ए वॉज वन थर्टी फाइव इसमें से तीन लिमिट आप लेस करेंगे फर्स्ट इज एक्चुअल एच आर ए वन थर्टी फाइव रेंट पेड माइनस टेन परसेंट ऑफ सैलरी तो रेंट पे किया गया है टेन रेंट पेड था हमारा टेन थाउजेंड पर मंथ तो टेन थाउजेंड नाइन मंथस का पे किया गया है रेंट पेड इज टेन थाउजेंड इंटू नाइन नाइन्टी थाउजेंड लेस टेन परसेंट ऑफ सैलरी और सैलरी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारी बेसिक सैलरी ही आई है क्योंकि डी ए भी क्वेश्चन में नहीं है और फिक्स परसेंटेज कमीशन भी नहीं है तो सेवन लाख ट्वेंटी थाउजेंड जो नाइन मंथस की थी इसका टेन परसेंट सेवेंटी टू थाउजेंड आ जाएगा तो नाइन्टी थाउजेंड माइनस सेवेंटी टू सो दिस इज एटीन थाउजेंड और फोर्टी या फिफ्टी फिफ्टी परसेंट ऑफ सैलरी क्योंकि यहाँ पे मुंबई में रेंट पे किया गया था और इसके अलावा कोई शेयर नहीं दिया गया वहां पे लिखा था ना इज वर्किंग विद इन मुंबई तो 50% परसेंट हम लोग ले लेंगे सैलरी सेवन लाखी था एटीन थाउजेंड तो एटीन थाउजेंड हम लोग एक्ज कर पाएंगे तो आउट ऑफ वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड एटीन थाउजेंड एक्ज हो जाएगा बाकी का वन लाख सेवेंटीन थाउजेंड विल बिकम ठीक है तो एचआर हमारा आता है इम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्स आर पी एफ जितना एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया था तो यहाँ पर वन लाख टेन थाउजेंड रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किया था इसमें से हम देखते हैं कहीं ट्वेल्व है, परसेंट से ज्यादा तो नहीं है जितना ज्यादा होगा फिर हम उसको टैक्सेबल करने वाले हैं तो ट्वेल्व परसेंट ऑफ सैलरी सैलरी का मतलब यहाँ पर क्या होता है वही आरबीएस सैलरी बेसिक सैलरी डी ए फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्न ओवर क्योंकि यहाँ पर डी ए और कमीशन नहीं गिवन है तो बेसिक सैलरी ही ले लेंगे तो सेवन लाख ट्वेंटी थाउजेंड का ट्वेल्व परसेंट तो वो हमने कैलकुलेट किया वो एटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड था यानी कि एक्सेस आ रहा है कुछ अमाउंट ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इसको हम टेक्सीबल करने वाले हैं ग्रेटिटी मिली है क्या ये फुली एक्ज होती है नहीं बिकॉज ही इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेटिटी एक्ट लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री अमाउंट एग्जेम्ट होंगे तो ग्रेटुटी के लिए ग्रेटुटी हमें मिला था क्वेश्चन में लिखा हुआ था ट्वेंटी लाख फिफ्टी वन थाउजेंड सिक्स ट्वेंटी में से लेस कीजिएगा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट एक्चुअल ग्रेटुटी सेकेंड 20 लाख रुपीस की फिक्स लिमिट होती है और थर्ड करते हैं 15 बाई ट्वेंटी सिक्स लास्ट ड्रॉन सैलरी इन टू कम्प्लीट ऑफ सर्विस और पार्ट डेयर ऑफ एन एक्सेस ऑफ सिक्स मंथ्स ठीक है तो एक्चुअल ग्रेटिटी हमें मिली है ट्वेंटी लाख फिफ्टी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैच्यूटरी लिमिट 20 लाख एक्चुअल ग्रेटिटी ट्वेंटी और फिफ्टीन डेज सैलरी फॉर ईच कम्प्लीट डेयर ऑफ सर्विस और पार्ट डेयर ऑफ एन एक्सेस ऑफ सिक्स मंथ्स तो फिफ्टीन बाई ट्वेंटी सिक्स ठीक है Into, यहां पर अच्छा सैलरी की डेफिनेशन में ग्रेटिव में क्या लेते हैं, act, हैं पेमेंट ऑफ एक्ट दो चीजें आती है जो लोग पेमेंट ऑफ ग्रेटी एक्ट में कवर्ड होते हैं दो चीजें आती है बेसिक सैलरी प्लस डी ए बेसिक सैलरी प्लस डी ए नहीं है तो बेसिक सैलरी एटी थाउजेंड पर मंथ वाली ले ली फिफ्टीन बाई ट्वेंटी सिक्स इंटू लास्ट राउंड सैलरी एटी थाउजेंड इन टू ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट ईयर ऑफ ओर यहाँ पर मुझे राउंड ऑफ करना पड़ा थर्टी थ्री ईयर सेवन मंथ था इसलिए हमने थर्टी फोर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टीन लाख सिक्सटी नाइन ली सो द फॉलोइंग है तो 2051640 में से इसको माइनस कीजिएगा फोर लाख एटी दिस वुड बी आर टैक्सेबल ग्रेटी पोर्शन ठीक है क्लियर हो गया पेंशन दो तरह की पेंशन है एक तो अनकम्यूटेड मतलब रेगुलर पेंशन तो रेगुलर पेंशन के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था जनवरी की 8000 थाउजेंड फुली टेक्सीबल और फेबररी और मार्च की 25 परसेंट तो 8000 का 25 परसेंट होता है टू थाउजेंड रुपीज टू तो थाउजेंड तो था। फेब्री और मार्च के तो दिस इज 12000 इसको टेक्सीबल कीजिएगा कम्यूटेड पेंशन कम्यूटेड पेंशन को हम लोग फिर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो फुली एग्जाम होता बट यहाँ पर गवर्नमेंट इंप्लॉय नहीं है तो हम ये पूछेंगे कि क्या आपको ग्रेटी भी मिलती है ग्रेटी भी मिलती है तो हम एग्जेंट करने वाले हैं वन पॉइंट थ्री ऑफ जितना हमें कम्यूटेड पेंशन मिली है फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन सेवेंटी फाइव परसेंट यहाँ पर तो आई बिलीव ये तो आप निकाल ही लेंगे ठीक है मैंने वर्किंग नोट भी बनाए हुए हैं मैं मेन चीज पर आ रहा हूँ लीव इन कैशमेंट ठीक है पेंशन तो ईजी था लीव इन कैशमेंट अब हमें जितना भी लीव इन कैशमेंट मिला अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते सेंट्रल या स्टेट तो फुली एग्जेप्ट होता यहाँ पर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो उस केस में हमारे पास चार पॉइंट होते हैं चार में से जो भी लिस्ट होगा उसको हम एग्जेड कर देंगे याद कर लीजिएगा थ्री लाख थर्ड होता है टेन इन टू एवरेज सैलरी ठीक है यानी कि दस महीने की सैलरी और फोर्थ होता है एट द क्रेडिट हमारे पास जितनी लीव्स होती है ठीक है उसको मंथ्स में निकाल दीजिएगा जो अगर आपके नंबर ऑफ डेज में आए तो उसको डिवाइड बाई थर्टी करके नंबर ऑफ मंथ्स में निकाल दीजिएगा जितनी हमारे पास लीव्स हैं उसको एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई करेंगे इन टू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ओनली कम्प्लीटेड राउंड ऑफ नहीं करना है ठीक है राउंड ऑफ नहीं करना है यानी कि इस केस में हम लोग थर्टी थ्री ईयर्स ही लेंगे थर्टी फोर नहीं लेंगे लीव्स इथ द क्रेडिट हमें कैसे मिलता है सर जितनी हमें लीव्स कंपनी देती है बट अगर वो थर्टी से ज़्यादा लेती है तो मैक्सिमम थर्टी लेंगे उस केस में तो थर्टी

और आरबीएस सैलरी लेते हैं ठीक है एटी थाउजेंड रुपीज डीए वगैरावरेज सैलरी ठीक है एवरेज कब का ठीक है डेट ऑफ रिटायरमेंट रिटायरमेंट से ठीक दस महीने पहले तो लीव द क्रेडिट हमें निकालना पड़ेगा तो लीव द्रेडिट कैसे निकालेंगे मैक्सिमम हमें लीव प्रोवाइड की गई थी चालीस बट हम लोग लेनी है थर्टी तो मैक्सिमम हम लोग मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि मैक्सिम थर्टी डेज हम से हम कैलकुलेशन करेंगे थर्टी डेज मैक्सिमम प्रोवाइड की जाती है जिसमें से हम ट्वेंटी डेज की लीव अवेल कर लेते हैं ठीक है इट वॉज ट्वेंटी और ट्वेंटी फाइव एक मिनट इट वॉज ट्वेंटी फाइव और मैंने यहाँ पर ट्वेंटी डेज से कैलकुलेशन कर दी क्या एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन देख लेता हूँ कि मैंने कैसे करी है फिर मैं अकॉर्डिंगली आपको ठीक करा दूंगा

आप अपने क्वेश्चन में भी ना इसको 20 डेज ही कर लीजिएगा ठीक है यहाँ पे इसको 20 डेज कर लीजिएगा ओके 20 डेज लीव्स अवेल करके मान लेते हैं हम लोग ठीक है तो हमें प्रोवाइड की गई मैक्सिमम 40 डेज बट हम 40 नहीं लेना 30 minus 20 डेज जितनी अवेल की है डिवाइड बाय 30 मैंने क्यों किया बिकॉज़ ये तो नंबर ऑफ डेज में आ जाता मुझे मंथ्स में चाहिए बिकॉज क्यों हमें मंथ्स में चाहिए होता है बिकॉज हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं मंथली सैलरी से तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ गए और हम उसको मंथली सैलरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा यानी कि हमें वो डेज को पहले मंथ्स में कन्वर्ट करना चाहिए तो इसलिए डिवाइड बाई मैंने थर्टी किया और सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेने हैं तो इसलिए थर्टी थ्री किया तो लीस ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पर आ रहा है हमारे पास थ्री लाख लीस था तो बाकी का एट लाख में से थ्री लाख एग्जेम हो गया फाइव लाख वुड बी टेक्सीबल से ठीक और मैंने यहां पर एक नोट भी दे दिया था जो अक्यूमिलेट बैलेंस मिला है आरपीएफ का दैट वुड बी फुली एग्जेट बिकॉज पांच साल के बाद ही मिल रहा है ये पैसा ठीक है यहां पर आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी ग्रॉस सैलरी के बाद आपको डिडक्शंस देनी होती है हमारी तीन डिडक्शंस होती हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन और थर्ड डिडक्शन है प्रोफेशनल टैक्स पेड एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर किसी ने भी पे किया हो डिडक्शन मिल जाती है अगर इम्प्लॉयर ने पे किया होता तो पहले ग्रॉस सैलरी बनेगा जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था बट यहाँ पर कोई एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन नहीं मिलेगी एक तो एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल नहीं रहा है दूसरा एक गर्वमेंट इंप्लॉय भी नहीं है स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सबको मिलती है यानी कि सैलरी का क्वेश्चन करें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमेशा दीजिएगा ठीक है बट बट याद रखिएगा एक चीज काफी बार ना सेट ऑफ वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर कोई और दूसरा टोटल इनकम के क्वेश्चन दिया गया होता है कि सैलरी इंप्लॉय की है उसमें दूसरी इंफॉर्मेशन भी होती है हाउस प्रॉपर्टी या फिर बाकी के सेट ऑफ की इंफॉर्मेशन यानी कि वो सैलरी का क्वेश्चन नहीं होता मेनली वो दूसरे हेड्स का या फिर दूसरे प्रोविजन का क्वेश्चन होता है और कभी कभी आपको दिया जाता है कि इनकम फ्रॉम सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी ब्रैकेट में लिखा होता है कंप्यूटेड कंप्यूटेड और मान लेते हैं लिखा हुआ है सिक्स लाख रुपीज तो क्या जब सर वो हमें क्वेश्चन करना चाहे वो सेट ऑफ का क्वेश्चन है या वो दूसरे हेड्स का क्वेश्चन है सैलरी का क्वेश्चन नहीं होता मेनली वो तो क्या हमें फिफ्टी थाउजेंड की डिडक्शन भी माइनस करनी चाहिए ऐसे केस में द आंसर इज नो अगर कोई और क्वेश्चन आप कर रहे हैं ठीक है जो सैलरी के हेड का नहीं है और वहां पर लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड कंप्यूटेड मतलब ये ऑलरेडी कंप्यूट करने के बाद अमाउंट दे रहे हैं इसका मतलब उसमें से ऑलरेडी फिफ्टी थाउजेंड की स्टैंडर्डक्शन ऑलरेडी डिडक्ट की जा चुकी है आप दोबारा से डिडक्ट मत कीजिएगा ठीक है बट क्योंकि यहाँ पर तो हम सैलरी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग स्टैंडर्ड स्टैंडर्डक्शन देंगे फिफ्टी थाउजेंड रुपीज की अच्छा स्टैंडर्ड स्टैंडर्डक्शन कितनी होती है सर हमेशा फिफ्टी थाउजेंड होती है क्या नहीं स्टैंडर्ड स्टैंडर्शन क्या होती है जितनी हमारी ग्रॉस सैलरी है या फिर फिफ्टी थाउजेंड विच इज लोअर क्योंकि यहां पर ट्वेंटी हमारी जीरो जीरो नाइन हमारी ग्रॉस सैलरी है तो लोअर तो फिफ्टी थाउजेंड आएगा इसलिए हम डायरेक्टली फिफ्टी था लिख देते हैं जनरली प्रोफेशनल टैक्स जितना भी पे हुआ है उसकी डिडक्शन मिल जाएगी टू थाउजेंड रुपीज की सो दिस वुड बी योर सैलरी इनकम ठीक है आई बिलीव क्वेश्चन नंबर टू भी समझ में आ गया था मेनली रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में हमने बातें की थी क्वेश्चन नंबर थ्री पर आते हैं

2021 के बारे में ठीक है प्रीवियस ईयर 2021 के बारे में और जनरली अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया गया कि हमारी सैलरी कब ड्यू होती है ठीक है कब ड्यू होती है तो हम लोग जनरली ये मानते हैं कि एंड ऑफ द मंथ ही ड्यू होती है एंड ऑफ द मंथ ही हमारी सैलरी ड्यू होती है तो जनरली हम लोग हमेशा अप्रैल से लेकर मार्च तक की कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग फॉर प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं फ्रॉम अप्रैल ट्वेंटी टू तो मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन तक ठीक है तो हमारे इस केस में ही वॉज अपॉइंटेड ऑन फर्स्ट मार्च इसका ट्वेंटी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी ट्वेंटी 2021 तक तो सैलरी रहती है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज एक साल तक तो ट्वेंटी पर मंथ सैलरी रहती है हर महीने ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी तक मिलेगा और जैसे ही हमारा एक साल कंप्लीट होता है फिर हमारा नेक्स्ट हम यहां पर इंक्रीमेंट चला जाएगा तो 2500 का इंक्रीमेंट होगा हमारा 2500 का हमारा इंक्रीमेंट होगा यानी कि हमारा मार्च 2021 में सैलरी हो जाएगी 27500 ठीक है 2500 का इंक्रीमेंट मिलेगा और हर साल के बाद हमारे पास 2500 का इंक्रीमेंट मिलता रहेगा जब तक हम 35000 तक नहीं पहुंचते और 35000 के बाद हम दूसरे ग्रेड पे में चले जाएंगे तो आई बिलीव आपको ग्रेड पे भी रिवाइज हो गया होगा बट इस क्वेश्चन में आप लोग कैसे करेंगे यहाँ पर अगर हमें पूरे साल का इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है ठीक है फ्रॉम अप्रैल टू मार्च तो हम लोगों का दो पार्ट में डिवाइड हो गया एक्चुअली फ्रॉम अप्रैल टिल फेबरवरी अप्रैल टिल फेबररी सैलरी रहेगी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ और फिर मार्च के मंथ की सैलरी

25000 पर मंथ और लास्ट मंथ की दैट इज मार्च हमारी थी 27500 और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बोनस मिलता है और बोनस कैसे कैलकुलेट किया जाता है जो आपकी लास्ट में सैलरी थी ठीक है ईयर एंड पे जो सैलरी थी तो ईयर एंड पे सैलरी थी हमारी 27500 प्लीज ध्यान दीजिएगा तो आप जब बोनस कैलकुलेट करें साफ-साफ लिखा है बोनस मिलता है 1 एंड 1 मंथ बेसिक सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर जितनी आपकी एंड में सैलरी थी तब आपको बोनस मिल जाता है हम कहते हैं जो भी आपकी सैलरी है उसका 1.5 टाइम्स हम बोनस दे रहे हैं और सैलरी कब की देखी जाएगी ठीक है एवरेज सैलरी देखी जाएगी शुरू की, देखी जाएगी, की तो क्वेश्चन ने कहा कि आप एंड वाली सैलरी देखिएगा यानी कि बोनस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड दैट इज मंथ ऑफ मार्च की जो सैलरी मिलती है उसका वन पॉइंट फाइव टाइम्स क्लियर हो गया ही कॉन्ट्रीब्यूट एटीन परसेंट ऑफ द सैलरी

सिक्स परसेंट टेक्सीबल होने वाला है ही इज प्रोवाइडेड विद फ्री हाउसिंग फैसिलिटी यानी कि रेंट फ्री अकोमोडेशन भी है हैज टेकन ऑन रेंट बाय द कंपनी एट पर मंथ अब हम लोग जानते हैं कि अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है जिसका रेंट कंपनी पे कर रही है तो उसका परकेट कैसे निकालते हैं जितना भी एक्चुअल रेंट पेड बाय द इंप्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी 15% ऑफ सैलरी कौन सी सैलरी यहां पर आरएफए सैलरी लेनी होती है आरएफए सैलरी में क्या क्या आता है ठीक है यहां पे सर कुछ ज्यादा चीजें आती हैं रही सैलरी में बेसिक सैलरी आती है डी आता है फॉर्मिंग पार्ट ठीक है प्लस ऑल टेक्सीबल अलाउंसेस भी आ जाते हैं परक्यूजिट्स नहीं आते इसमें ठीक है परक्यूजिट्स नहीं आते बोनस भी आ जाता है आगे लिखा हुआ है फॉलोइंग फैसिलिटीज उसको क्या क्या, क्या फैसिलिटी मिली है द कंपनी रिम्बर्स द मेडिकल ट्रीटमेंट बिल ऑफ फोर्टी थाउजेंड ऑफ इज डॉटर हु इज डिपेंडेंट ऑन एम ठीक है डॉटर डिपेंडेंट है नॉन डिपेंडेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट मेडिकल री एमबर्समेंट है एम्प्लॉय के हॉस्पिटल में नहीं हुआ गवर्मेंट के हॉस्पिटल में नहीं हुआ ठीक है किसी स्पेसिफाइड हॉस्पिटल फॉर प्रिस्क्राइब डिजीज नहीं हुआ तो इस केस में तो फिर फुली टेक्सीबल करेंगे फोर्टी थाउजेंड इज फुली टेक्सेबल अभी हमने क्वेश्चन में भी किया था मंथली सैलरी ऑफ टू थाउजेंड पर मंथ ऑफ हाउस कीपर इज रिम्बर्स बाय द कंपनी अब देखो डोमेस्टिक सर्वेंट है डोमेस्टिक सर्वेंट है टू थाउजेंड रुपीज की सैलरी कंपनी पे करती है इट इज़ फुली टैक्सेबल ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा अच्छा डोमेस्टिक सर्वेंट के बारे में बात है आपको याद आती है कि अगर नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता है तो उनके हाथों में ऐसे परक्यूजिट एक्जैम्ट होते हैं जो सेवनटीन टू थ्री में आते हैं कुछ पांच परक्यूज आते हैं वो एग्जेप्ट हो जाते हैं ठीक है थीके? और मेनली हम लोग कैसे पता करते हैं कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है दो कंडीशन तो बहुत रेयर हैं कि अगर आप डायरेक्टर भी हैं कंपनी के ठीक है या फिर सब्सटैशल इंटरेस्ट है आपका कंपनी में याद आ आगे वाली बातें बट थर्ड कंडीशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है पचास से अगर आपकी ज्यादा सैलरी मॉनिटरी सैलरी इनकम है तो आप स्पेसिफाइड बन जाते हैं तो यहाँ पे तो पचास से कहीं ज्यादा हो जाएगी ऑलरेडी एक ही महीने की इनकी पच्चीस तो बेसिक ही है तो इनके लिए तो ये टेक्सीबल होने वाला है ठीक है आई बिलीव ये भी याद हो गया आ गया होगा आपको स्पेसिफाइड इंप्लॉय और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होते हैं ओके okay. इज गेटिंग टेलीफोन अलाउंस थाउजेंड पर मंथ टेलीफोन अलाउंस है वन थाउजेंड पर मंथ ठीक है टेलीफोन अलाउंस है अगर इनके घर में हमने टेलीफोन लगवाया होता टेलीफोन फेसिलिटी होती तो दैट इज एक्सेंट वो एक्सेंट होता बट दिसंस फुली टेक्सीबल गिफ्ट वाउचर 4700 का मिला है ऑन दिन ऑफ इस मैरिज एनिवर्सरी तो 4700 का गिफ्ट वाचर मिला इसके अलावा अगर कोई और गिफ्ट्स है तो उसको एग्रीगेट करके देखेंगे कहीं 5000 से ज्यादा का तो नहीं है अगर मान लेते वगैरह नहीं है तो फिर इसको एक्जेम्ट कर देंगे क्योंकि पांच से ज्यादा का तो आ नहीं रही है कंपनी पे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द हेल्थ एक्जेम्ट रहता है लाइफ इश्योरेंस टेक्सेबल है मोटर कार रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ थर्टी सिक्स थाउजंड सिक्स हंड्रेड फुली पेड बद इम्प्लॉयर इंप्लॉयर पे कर रहा है मोटर कार के एक्सपेंसेज भी द मोटर कार इज ओन एंड ड्रिवन बाय गणेश ठीक है मैंने लास्ट क्वेश्चन में एक कराया था लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में जहां पर एम्प्लॉयर की गाड़ी थी यहां पर ये कार किसकी है इंप्लॉय की कार है तो इंप्लॉय की कार है इंजन क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर से ज़्यादा की नहीं है बहुत ऑफिशियल और पर्सनल यूज़ होती है इस केस में क्या करते हैं जितना भी खर्चा कंपनी यहां पर कर रही है थर्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड कर रही है माइनस करते हैं इसमें से फिक्स अमाउंट फिक्स अमाउंट कितना होता है छोटी कार है तो एटीन हंड्रेड पर मंथ का ठीक है बड़ी का, गाड़ी है तो इट 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 इज़ मोर देन वन पॉइंट सिक्स लीटर सीसी इंजन तो फिर ट्वेंटी फोर हंड्रेड पर मंथ माइनस करते हैं ठीक है ज़्यादा अमाउंट भी माइनस कर सकते हैं अगर इंप्लॉयर इंप्लॉय क्लेम करता है नहीं सर मेरा ज़्यादा खर्चा होता है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लॉकबुक वगैरह मेंटेन करता है और ज़्यादा अमाउंट भी माइनस करा सकते हैं बट इस केस में तो हम सिंपल 1800 पर मंथ माइनस कर देंगे ऑफ फ्री लंच प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ऑफिस बारह हजार अब लंच फैसिलिटी लंच फैसिलिटी या मील फैसिलिटी रिफ्रेशमेंट्स वगैरह तो होते हैं बट मील्स टेक्सेबल होती है अगर वो फिफ्टी रुपीज से ज्यादा की हो रही हैं तो यहां पर फ्री लंच प्रोवाइड किया गया नंबर ऑफ वर्किंग डेज जनरली क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं है तो हम नंबर ऑफ वर्किंग डेज लेते हैं थ्री हंड्रेड डेज थ्री सिक्सटी फाइव नहीं लेते क्योंकि हम संडेज वगैरह को छुट्टी वाले दिन ऑफिस नहीं जाते तो मेनली वर्किंग डेज हम लोग थ्री हंड्रेड लेते हैं फिफ्टी रुपीज़ पर मील तक तो एक्जेंट है तो थ्री हंड्रेड अगर वर्किंग डेज लेंगे इंटू फिफ्टी करेंगे तो फिफ्टीन थाउजेंड तक तो एग्जेमट आ जाता है वैसे ही ठीक है फिफ्टीन थाउजेंड से ऊपर होता तब टैक्सीब होता बट इस केस में तो सिर्फ बारह हज़ार है तो इसको फुली एक्जेम्ट करने वाले हैं हम लोग ठीक है तो सबसे पहले लिस्ट बना लेंगे हमें क्या क्या मिला बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल याद कर लीजिए ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इलेवन मंथ्स की और एक महीने की ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड डी एन एस सिंपल है इसका फिफ्टीन परसेंट निकाल देंगे फॉर्मिंग पार्ट भी था वैसे तो फॉर्मिंग पार्ट का अभी कुछ नहीं करना हाँ बट अगर एच आर ए वगैरह यहाँ पे तो एच आर ए नहीं है ठीक है अगर पीएफ वगैरह के बारे में बात नहीं कराएगा तो हमें फॉर्मिंग पार्ट लेना पड़ता है और यहाँ पर क्वेश्चन में था हंड्रेड परसेंट फॉर्मिंग पार्ट फिर तो मानेंगे ही इसको बोनस वन पॉइंट फाइव टाइम्स मिलता है किसका आपकी लास्ट सैलरी का तो 27,500 का 1.5 पॉइंट फाइव टाइम इम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड था 18 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था इंप्लायर जो भी हमारा बेसिक सैलरी थी और डीए फॉर्मिंग पार्ट था उसका 18 परसेंट कर रहा था फिर हम क्या करेंगे उसका 12 परसेंट निकालेंगे अगर एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है तो टैक्सेबल कर देंगे तो अकॉर्डिंगली आप लोग टैक्सेबल कर दीजिएगा टेलीफोन अलाउंस फ्री टैक्सेबल रेंट फ्री अकोमोडेशन को हमने देखना है जितना रेंट पे पे हुआ है और फिफ्टीन परसेंट ऑफ आर सैलरी अब आर सैलरी इसका मैं वर्किंग नोट दिखाना चाहूंगा आपको आर एफ सैलरी के लिए हम लोग निकालेंगे जो भी हमें चीज़ें मिल रही हैं अगर वो बेसिक सैलरी है देख लीजिए हमेशा आर एफ सैलरी को कैसे याद करें ठीक बहुत इजी होता है याद करना आर एफ सैलरी में परक्यूजिट्स नहीं आते ठीक है परक्यूजिट्स नहीं आते रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह नहीं आते तो बेसिक सैलरी आ जाएगा डी आ जाता है फॉर्मिंग पार्ट वाला आता है बोनस आता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह नहीं आते है अलाउंसेज आ जाते हैं ठीक है अलाउंसेस तो आ जाते हैं टैक्सीबल अलाउंसेस आ जाएंगे रेंट फ्री अकोमोडेशन तो आप निकाल रहे हैं तो पर क्यूजिट है उसको नहीं निकालना मेडिकल री इंबर्समेंट है ठीक है बाकी दो और सब परक्यूजिट्स दिए गए हैं तो वो सब नहीं आएगा यानी कि यहाँ पर हमारे पास बेसिक सैलरी आएगा डी आएगा बोनस आएगा और टेलीफोन अलाउंस आने वाला है आर एफ सैलरी में ठीक है मैं चाहूंगा आप ना एक बार अपने आर एफ सैलरी वाला भी रिवाइज कर लीजिएगा जहां से भी आपने किया जिस भी बुक से आप करते हैं ठीक है वहां से एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट परक्यूजिट है तो बेसिक सैलरी डी बोनस और टेलीफोन अलाउंसेस यहाँ पर आ जाएगी आर सैलरी इतना आया तो इसका फिफ्टीन निकालेंगे विच इज सिक्सटी थाउजेंड वन सिक्सटी नाइन और जितना रेंट पे हुआ है विच इज रेंट पे हुआ है वन लाख एटी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड वन सिक्स नाइन विच एवरेज लोअर तो सिक्सटी थाउजेंड वन सिक्सटी नाइन हमारी परक्यूजिट वैल्यू बनेगी फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन क्लियर है ये बातें भी मेडिकल री मैंने बातें कर ली टैक्सेबल हो जाएगा हाउस कीपर की सैलरी डोमेस्टिक सर्वेंट टैक्सेबल गिफ्ट वाउचर पाँच हज़ार से ज़्यादा का नहीं था एक्जेंट कर देंगे मेडिकल इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम इंश्योरेंस एक्सीडेंटल इंश्योरेंस

मैक्सिमम चीज़ें मैं कोशिश कर रहा हूं कि रिवाइज करा पाऊं सैलरी की ओके कम टू क्वेश्चन नंबर फोर यहां पर और भी कुछ कुछ परकेजेस वगैरह हैं जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं करे थे ठीक है स्वेटी क्वीटी शेयर्स वगैरह के बारे में वो मैं चाहूंगा कि यहां पर डिस्कस करें एक और बात है इंपॉर्टेंट यहां पर डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर फोर में यूज़ ऑफ असेट अगर आप कोई भी इंप्लॉयर का असेट यूज़ करते हैं ठीक है उसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे और दूसरा अगर इम्प्लॉयर आपको कोई असेट बेच देता है और वो बहुत कम अमाउंट में बेचता है तो भी आपको फायदा हो जाता है तो वो कितना अमाउंट टेक्सेबल करने वाले हैं तो लिखा हुआ मिस्टर एक्स इज एम्प्लाइड विद विप्रो लिमिटेड ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ ट्वेंटी पर मंथ डी एनएसड पर मंथ कमीशन वन थाउजेंड पर मंथ ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर मंथ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हंड्रेड फॉर थ्री चिल्ड्रन पहले तो इतनी बातें डिस्कस कर लेते हैं ट्वेंटी रुपीज की सैलरी फुल टेक्सेबलिक डीएनएस फुली टेक्सेबल डीए फॉर्मिंग पार्ट नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में कुछ पेंशन नहीं है तो इसका मतलब फॉर्मिंग पार्ट नहीं लेना है हमें ठीक है फॉर्मिंग पार्ट नहीं मानेगा अगर आगे कुछ क्वेश्चन में कुछ दिया होगा फिर हम देख लेंगे बट

ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1500 पर मंथ है फुली टैक्सेबल होगा होगा ठीक है अगर यहाँ पर इम्प्लॉई डिसेबल होता ब्लाइंड होता है फिजिकली हैंडीकैप्ड होता तो उस केस में 3200 पर मंथ माइनस की रिडक्शन मिल जाती है उसको माइनस कर सकते हैं बट क्योंकि यहाँ पर इंप्लॉय कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो दिस इज़ फुली टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हंड्रेड रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम टू चिल्ड्रन ठीक है सिर्फ दो बच्चों तक के लिए एग्जाम है वो भी हंड्रेड रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड तो यहाँ पे सिक्स हंड्रेड रुपीज मिल रहे हैं फॉर थ्री चिल्ड्रन मतलब सिक्स हंड्रेड मतलब फर्स्ट चाइल्ड सेकंड चाइल्ड और थर्ड चाइल्ड के लिए दो सौ रुपए दो सौ रुपए दो सौ रुपए बोल सकता हूं सिक्स हंड्रेड ईच है या सिक्स हंड्रेड टोटल है सर सिक्स हंड्रेड टोटल है मतलब तीनों के लिए टू हंड्रेड टू हंड्रेड टू हंड्रेड हमें पैसे मिल रहे हैं हम सिर्फ दो बच्चों के लिए एग्जाम एनी टू के लिए एक्जेम कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड किसी के लिए भी हम नॉर्मली फर्स्ट सेकंड के लिए मैं एग्जाम कर रहा हूँ कितना कर सकते हैं 100 रुपीज फर्स्ट में में से, में से 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 थर्ड तो फोर हंड्रेड इंटू ट्वेल्व ठीक है पूरा बारह महीने अगर मिल रहा है पैसा तो इंटू ट्वेल्व कर दीजिएगा वो टैक्सेबल करने वाले हैं आप लोग आगे बढ़ते हैं इतना यहां तक तो बातें क्लियर हो गई होंगी

ठीक टेन परसेंट पर हैं हम लेते हैं तो इस केस में ओरिजिनल कॉस्ट है इसका हो जाएगा ट्वेंटी फोर था पूरे साल का होगा याद रखिएगा ये हमें प्रोवाइड किया गया ऑगस्ट ऑनवर्ड से निकालिएगा तो, तो आपके जितने भी मंथ्स बनते हैं अप्रैल मे जून जुलाई चार महीने नहीं बनेंगे तो एट मंथ्स का निकालिएगा टू लाख फोर्टी थाउजेंड टेन परसेंट फॉर एट मंथ्स सेकेंड कंप्यूटर इज सोल्ड टू हिम एट कंसेशनल प्राइस ऑफ फिफ्टी फाइव हंड्रेड्रेड और टेंथ में ट्वेंटी ट्वेंटी ध्यान से देखिएगा इंपॉर्टेंट बात है कंप्यूटर इज सोल्ड टू हम कंसेशन प्राइज ऑफ फिफ्टी फाइव हंड्रेड हमने एक कंप्यूटर बेच दिया कंपनी ने इनको फिफ्टी फाइव हंड्रेड का सर ये तो फ्री होता है अभी आपने कंप्यूटर के बारे में बताया था प्लीज ध्यान दीजिएगा अगर कंप्यूटर सिर्फ यूज करने के लिए दिया जाए कंप्यूटर या लैपटॉप सिर्फ यूज करने के लिए दिए जाए तब वो एग्जैम्ट होते हैं बट यहाँ पर यहाँ पर कंप्यूटर आपको बेच दिया गया उस केस में टैक्सेबल कर देंगे तो डिपेंड करता है कि कंप्यूटर की डेप्रिशिएटेड वैल्यू कितनी है ठीक है कंप्यूटर की डेप्रिशिएटेड वैल्यू कितनी है और ये हमें कितने में मिला है अगर इसमें हमें कोई फायदा होता है तब हम टैक्सेबल करेंगे तो हमें कितने में मिलाएगी फिफ्टी फाइव हंड्रेड में फिफ्टी फाइव हंड्रेड में हमें मिला है तो सबसे पहले हमें इसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू निकालनी पड़ेगी अब कंप्यूटर्स के ऊपर रेट ऑफ डेप्रिशिएट क्या होता है फोर्टी परसेंट अरे फोर्टी परसेंट वो पी जी बी पी के रेट्स होते हैं ठीक है सैलरी के परकेजेस के लिए निकालने के लिए वी हैव डिफरेंट रेट तो कंप्यूटर्स के लिए हमारे पास रेट है फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से मोटर कार के ऊपर याद कर लीजिए ट्वेंटी परसेंट रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से दूसरे असेट्स अगर हमें दे दिए जाते हैं तो टेन परसेंट इंपॉर्टेंट बात हमेशा कितना लेना चाहिए जब ये कंपनी ने इसको यूज करना शुरू किया था कंपनी ने परचेज किया और यूज करना शुरू किया तब से लेकर इंप्लॉय को ये कब बेचा गया है हम देखते हैं कितना टाइम तक कंपनी ने यूज किया कंपनी ने अपने लिए यूज किया था वो भी सिर्फ कंप्लीटेड इयर्स लेते हैं पार्ट ऑफ द ईयर को इग्नोर करना पड़ता है यहां पर तो देखते हैं कि कंपनी ने इसको कब परचेस किया था कंपनी ने इसको परचेस किया था वन वन ट्वेंटी को कब यूज किया ये नहीं दिया हो गया अगर ये नहीं दिया होता तो हमें पता है कि जब परचेस किया उसी दिन मान लेते हैं यूज भी किया होगा तो वन वन नाइनटीन से लेकर कंपनी इसको यूज कर रही थी और इंप्लॉय को हमने बेच दिया टेंथ में ट्वेंटी ट्वेंटी तो एक काम कीजिए फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी नाइनटीन से लेकर टेंथ में 2020 तक देखिए कि कितने साल बनते हैं सर यहाँ पे जनवरी 20, से लेकर दिसंबर 2019 एक साल बनेगा और फिर दूसरा साल पूरा नहीं हुआ यानी कि सिर्फ एक साल ही कंप्लीटेड आया तो प्लीज एक साल का ही डेप्रीसिएशन लगाइएगा तो हमारा जो डेप्रीशियेटेड वैल्यू आने वाली है ना फिफ्टी के ऊपर एक साल का डेप्रीसिएशन कितना परसेंट फिफ्टी परसेंट फाइव जीरो के ऊपर सॉरी

यहां पर बन जाएगा, ठीक है है, है, क्लियर क्लियर ये बात होगी हमने ले लिया कंपनी से लाख ,00 का 1, 7, 20, 20, 20, date पे ध्यान दीजिएगा, साल The entire loan, पूरा आउटस्टैंडिंग पूरा है लोन कि जुलाई से लेकर ईयर एंड तक पूरा आउटस्टैंडिंग लोन है और एसबीआई का रेट ट्वेल्व पॉइंट करना है तो हमें कंसेशनल रेट पर मिला है बिकॉज SBI का rate है हमें मिल रहा है है। 6.75%, यानी कि 6% 6% का हमें concession मिला है, तो 5 लाख ,00 रुपीस के ऊपर और from कब से लिया हमने ये जुलाई ऑनवर्ड्स हम कैलकुलेट कर लेंगे वो हमारा परगेज बनेगा ये भी क्लियर हो गया फोर्थ पॉइंट मिस्टर एक्स वेंट हॉलीडेज ऑन नाइन नाइन ट्वेंटी टू गोवा एल की बातें कर रही है लीव ट्रेवल कंसेशन की with his wife and three children one daughter born on 2nd february 2014 and twin sons born on 5 5 2011 total cost of travel was 80000 okay. tk second ac maynoot travel garage cost cost 50000 for mr x and his wife

और रेल्स के लिए अगर आप देख रहे हैं तो उसके लिए फर्स्ट क्लास रेल फेयर तक एग्जेम होता था यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इन्होंने सेकंड एसी से ट्रैवल करा और सेकंड एसी का ही पैसा कंपनी ने इनको दे दिया है कितना पैसा इनका खर्च हुआ था मिस्टर एक्स का प्लस इनकी वाइफ का पैसा खर्च हुआ था पचास और इनके चिल्ड्रन का टोटल पैसा तीन बच्चे थे वहां पर थर्टी खर्च हुआ टोटल एटी के एक्सपेंसिस हुए कंपनी ने एटी पूरा का पूरा रिमबर्स कर दिया है क्या ये टेक्सीबल होगा या एग्जेट होगा तो हम लोग जानते हैं कि एम्प्लॉई uh, और उसकी वाइफ के लिए ठीक है और उनके डिपेंडेंट फादर पेरेंट्स के लिए डिपेंड ब्रदर एंड सिस्टर के लिए तो एग्जाम्ट होता है ठीक है बच्चों के लिए भी एग्जाम्ट होता है बट अगर बच्चों की डेट ऑफ बर्थ वन टेन नाइनटीन नाइन्टी एट से पहले की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर तो एग्जेम्ट हो जाता है बट अगर डेट ऑफ बर्थ वन टेन नाइन्टीन या उसके बाद है तो हम सिर्फ दो बच्चों के लिए ही

ऑलरेडी तो ऑलरेडी इंप्लॉय को पता है कि मेरे दो बच्चे हैं तो फिर वो ज्यादा बर्थ ठीक है ज्यादा बच्चे ना पैदा करें पॉपुलेशन बहुत है ज़्यादा इंडिया की तो ह, उसको पहले से पता फिर तो दो बच्चे हैं फिर तो हम ट्विंस को दो ही काउंट करेंगे ठीक है अगर उसके बाद किसी दूसरे चाइल्ड की बर, बर्थ हो जाती है तीसरे चाइल्ड की इनफैक्ट ठीक है ट्विंस तो पहले से थे उसके बाद किसी थर्ड चाइल्ड की बर्थ हो जाती है फिर तो हम उसको भी काउंट करेंगे तो ट्विंस काउंट होंगे एज टू और वो भी चाइल्ड काउंट होगा एज वन फिर तो हम तीन बच्चे काउंट करेंगे यानी कि इस केस में पहले ट्विंस बड़े हैं ट्विंस की डेट ऑफ बर्थ है फाइव फाइव ट्वेंटी इलेवन दो हज़ार ग्यारह में पैदा हुए थे वो और डॉटर की डेट ऑफ बर्थ है टू थाउजेंड फोर्टीन तो यहाँ पे ट्वेंस को तो ऑलरेडी हम सिंगल काउंट नहीं करेंगे दो काउंट करेंगे बट इन केस पहले ऑलरेडी अगर वन टेन नाइनटीन नाइनटी एट के बाद बर्थ हुई है कोई ऑलरेडी पहले से एक चाइल्ड है ऑलरेडी पहले से एक चाइल्ड है ट्वेंथस नहीं थे चाइल्ड है

उस केस में यहां पर बच्चों के लिए मिले हैं थर्टी थाउजेंड यानी कि टेन थाउजेंड ई टेन थाउजेंड फर्स्ट चाइल्ड टेन थाउजेंड सेकंड चाइल्ड टेन थाउजेंड थर्ड चाइल्ड और ऑलरेडी ट्वेंथ पहले से बड़े हैं तो उनके लिए तो यहां पर मैं एग्जाम कर देता हूं दो बच्चों के लिए थर्ड चाइल्ड के लिए टेक्सीबल हो जाएगा तो यानी कि एट्टी में से पचास हजार एग्जाम हो जाएंगे बीस हजार एग्जाम हो जाएंगे सिर्फ दस हजार ही टैक्सेबल हो पाएगा क्लियर हो गया अच्छा पॉइंट था ये वाला

एंड एम्प्लॉयर इनकट्स थ्री लाख ऑन ट्रीटमेंट टू पॉइंट फाइव लाख ऑन स्टे एंड वन पॉइंट फाइव लाख ऑन ट्रेवलिंग अब हम लोग जानते हैं कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया होता है अगर आउटसाइड इंडिया होता है तो मेनली तीन खर्चे होते हैं एक तो ट्रीटमेंट का खर्चा दूसरा स्टे का खर्चा स्टे विद वन अटेंडेंट अलाउड और ट्रैवलिंग का खर्चा ठीक है ट्रैवलिंग का तीन खर्चे होते हैं ट्रीटमेंट का खर्चा एग्जेप्ट हो सकता है जितना आरबीआई की प्रिस्क्राइब लिमिट है तो ट्रीटमेंट का खर्चा हुआ था इस केस में ट्रीटमेंट का खर्चा हुआ थ्री लाख

तो इस केस में तो ट्रैवलिंग टैक्सेबल होने वाला है ट्रैवलिंग टैक्सेबल होने वाला है बाकी जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग देखेंगे बेसिक सैलरी ऑलरेडी थ्री लाख है डी एन एस अलाउंस सिक्सटी थाउजेंड है कमीशन वगैरह इतना ज्यादा अमाउंट पहले से आ रहा है दो लाख से ऊपर ट्रैवलिंग अलाउंस पूरा का पूरा सॉरी ट्रैवलिंग का जो रीमबर्समेंट मिला है वो पूरा आप टैक्सेबल कर देंगे नेक्स्ट है सेवन पॉइंट ही वॉज ऑल्सो अलॉटेड 2000 थाउजेंड स्वेट इक्विटी शेयर इनको 2000 हजार स्वेट इक्विटी शेयर मिले हैं अच्छा आप स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में क्या जानते हैं Uh, एक तो एक एलिजिबल स्टार्टअप वाली भी अमेंडमेंट I mean, आप देख लीजिएगा एलिजिबल स्टार्टअप में क्या होता है ठीक है एलिजिबल स्टार्टअप के अगर छोटे छोटे शेयर्स हैं तो पर यूजिट तो बनते हैं बट इस साल टैक्सीबल नहीं करता टेक्सीबली डिफर की जाती है बट अदर देन एलिजिबल स्टार्टअप्स के लिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं वो इसी साल टैक्सीबल कर देंगे कितना टैक्सीबल कर देंगे जितनी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है शेयर्स की जितनी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है कि जब वो हमने ऑप्शन एक्सरसाइज किया माइनस Uh, जितना हमने अमाउंट पे किया जितना हमने अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर किया जाता है मतलब जितना इंप्लॉय को फायदा हुआ है वो उसकी परक्यूज वैल्यू बन जाती है तो ही वॉज अलॉटेड टू थाउजेंड इक्विटी शेयर द शेयर एट टू ट्वेंटी सेवन पर शेयर तो हमें टू ट्वेंटी सेवन रुपीज पर शेयर खर्च करने पड़े अब इसकी हमें यह पता चल गया कि इंप्लॉय से टू ट्वेंटी सेवन रुपीज लिए गए अब हमें इसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी होगी द कंपनी शेयर इज लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बी एस सी दोनों पे लिस्टेड है अब याद कर लीजिएगा अगर हमें फेयर मार्केट वैल्यू या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दी गई होगी या फिर वो हमसे कैलकुलेशन करने के लिए बोलेगा तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बोल देता है कि वो दो तीन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो आपको सिर्फ वो स्टॉक एक्सचेंज को चूज करना है जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है जहां की ट्रेडिंग वॉल्यूम हाइएस्ट है तो यहां पर ट्रेडिंग वॉल्यूम दिया हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का टू लाख शेयर उस दिन ट्रेड हुए होंगे और बी में हुए थे 2.81 लाख तो यानी कि सी के आपको डेटा देखना होगा ठीक है आपको बी का डेटा देखना होगा बिकॉज पर ट्रेडिंग ज़्यादा हुई है तो मैं सी का नहीं देखूंगा मैं सिर्फ बी देखूंगा और हम कितनी वैल्यू लेते हैं ठीक है ट्रेडिंग वाले दिन जितना भी ओपनिंग प्राइस था जितना क्लोजिंग प्राइस था उसका एवरेज लेंगे तो ओपनिंग प्राइस थ्री सेवन थ्री सेवन प्लस थ्री सेवनटी नाइन इन दोनों को प्लस करेंगे डिवाइड बाय टू कर देंगे एवरेज आ जाएगा तो वो आने वाला है थ्री सेवनटी सेवन थ्री सेवनटी सेवन रुपीज हमारी फेयर मार्केट वैल्यू बनेगी तो थ्री सेवन सेवन रुपीज़ का शेयर हमें टू ट्वेंटी सेवन में मिल रहा है तो इसका मतलब थ्री सेवनटी सेवन माइनस टू ट्वेंटी सेवन फिफ्टी रुपीज का फायदा हो रहा है पर शेयर इंटू टू थाउजेंड शेयर तो थ्री लाख ,00 रुपीज ये पर क्यूजिट बन जाएगा क्लियर है इंपॉर्टेंट बात थी अच्छा एक और बात मैं आपको बता देता हूँ आपको याद कराने के लिए अगर जिस दिन की हमें फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है ठीक है जिस दिन ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया हमने अगर उस दिन का ट्रेडिंग हुई ना हो ठीक है उस दिन ट्रेडिंग नहीं होती है तो हम जब भी लास्ट डे जब कभी भी लास्ट प्रीवियस ट्रेडिंग हुई थी उसकी वैल्यू ले लेते हैं सो so, सिर्फ उसकी क्लोजिंग वैल्यू लेते हैं फिर ठीक है फिर हम एवरेज नहीं करते ठीक है अगर हमें उस दिन ट्रेडिंग नहीं हुई थी और उससे पहले वाले दिन की ट्रेडिंग हुई थी उससे पहले वाले दिन की जो भी लास्ट ट्रेडिंग हुई थी फिर उसकी हम क्लोजिंग वैल्यू को ही फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं बट अगर जिस दिन ट्रेडिंग हुई थी अगर फेयर मार्केट वैल्यू भी उसी दिन की लेनी है तो आप फिर एवरेज करते हैं

हम तीन बच्चों के लिए टेक्सेबल एक पूरा एग्जाम नहीं कर पाएंगे क्योंकि पहले से दो ट्वेंस थे ठीक ऑलरेडी दे विल बी काउंटेड एज टू उसके बाद एक डॉटर है तो फिर हम एक बच्चे का टेक्सेबल कर देंगे क्लियर हो गया तो आप इस तरीके से प्लीज एक बार नोट्स ये सारे पढ़ लीजिएगा ज़रूरी नहीं है कि आप इतने बड़े बड़े नोट्स हैं बट मैंने बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में यहाँ पर सिंपल प्लेन इंग्लिश में मैंने नोट्स दिए हैं लगभग जिस तरीके से आप एग्जाम्स में देते हैं ठीक है एक बार आप रीड कर लीजिएगा यू विल फाइंड दिस फाइल ठीक है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्लियर हो गया ठीक है तो आई बिलीव आपका मेनली सैलरी चैप्टर रिवाइज हो गया होगा एक बार मैं चार्ट बुक रिविजन से भी बहुत जल्दी ठीक है बहुत वेरी क्विक दो तीन मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा ठीक है चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 15 इंपॉर्टेंट बात है इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशनशिप होना जरूरी है इंप्लॉयर और इंप्लॉय रिलेशनशिप होना जरूरी है अगर वो रिलेशनशिप नहीं है तो सैलरी इनकम टैक्सेबल नहीं होती सैलरी में अलाउंसेज भी हम देखते हैं परकेजेट देखते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट देखते हैं प्रॉफिट इन ली ऑफ सैलरी देखते हैं अलाउंसेज अगर ऑफिशियल ऑफिशियल अलाउंसिस होते हैं ठीक है जैसे आ, आपको बाहर ट्रैवल करने के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस दे दिया गया या कन्वेंस अलाउंस दे दिया गया ठीक है अपना ऑफिशियल ट्रैवल करने के लिए तो वो सारे ऑफिशियल अलाउंसेज एग्जेप्ट होते हैं उसमें से अगर आपने कुछ सेविंग कर ली है तो टैक्सेबल हो जाता है और जनरली पर्सनल अलाउंसेस तो टैक्सेबल होते हैं पर्सनल अलाउंसेस जैसे ओवर टाइम अलाउंस दे दिया कैश अलाउंस दे दिया ये सारे सर्वेंट अलाउंस दे दिया ये सब टैक्सेबल होते हैं हाँ कुछ पर्सनल अलाउंसेस जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन लाउन्स तो है हॉस्टल अलाउंसेज है उसमें से कुछ एक्जें्पन मिल जाती है एच के बारे में हमने पढ़ लिया है नहीं ले रहा किसी और को दे दीजिए वो फिर हम आप ही के हाथों में टेक्सेबल करेंगे आपकी डायरेक्शन में हम किसी को दे रहे हैं बट सरेंडर ऑफ सैलरी मुझे सैलरी नहीं लेनी है ठीक है आप सरेंडर सैलरी सरेंडर कर देते हैं दैट इज नॉट टेक्सेबल रेंट फ्री अकोमोडेशन के बारे में हमने पढ़ लिया कार्स के परक्ट ठीक है बुक में मैंने आपको दिया था कि अगर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो कैसे करते हैं कार ओन्ड बाय इम्प्लॉय है तो कैसे करते हैं तो आई बिलीव ये आपको याद हैं चीजें ठीक है डोमेस्टिक सर्वेंट्स वेट इक्विटी शेयर्स मूवेबल गिफ्ट कुछ फुली एग्जाम्ड परकी्यूज होते हैं जैसे टेलीफोन या कंप्यूटर फैसिलिटी अगर आपके घर में लगा दी जाए तो वो एग्ज़ैम्ट होती है अकोमोडेशन टू हाई कोर्ट जजेस या सुप्रीम कोर्ट जजेस एग्जैम्ट होता है इंडियन सिटीज़न को अगर फॉरेन परक्यूज दिए जाएँ अगर वो फॉरेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इम्प्लॉई और हमने उसको बाहर उसको भेजा हुआ है तो उसको जितनी भी अलाउंसेज मिलते हैं परक्यूज मिलते हैं वो सब एग्जैम्ट होते हैं ठीक है रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ है या फिर रिफ्रेशमेंट्स हैं वो सब एग्जाम परक्यूज होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस फेस प्रीमियम एग्जाम्ट होता है ग्रेटी पेंशन प्रोविडेंट फंड लीव सैलरी के बारे में हमने देख लिया है। एक बार वी आर एस और रिट्रेंचमेंट कम्पनसेशन जनरली एग्जाम्स में बहुत कम पूछे जाते हैं ये दोनों चीज़ें बट एक बार मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको देख लीजिएगा ठीक है मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग देख लीजिए बहुत ईजी है ठीक है एक, एक दो दो मिनट में हो जाते हैं ठीक है तो आई बिलीव आपका सैलरी का भी रिविजन अच्छे से हो गया होगा नाउ आई कंटिन्यू दिस फॉर नेक्स्ट चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी करेंगे फिर ठीक है थैंक यू सो मच बाय एंड टेक केयर